नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। खाड़ी देशों में स्थितियां बहुत तेजी से बदल रही है। कतर, यूएई, बहरीन, ओमान, कुवैत और सऊदी अरब समेत कई खाड़ी देश अब बहुत हद तक भारत पर आश्रित हो गए हैं। इन खाड़ी देशों के भारत से मैत्रीपूर्ण रिश्ते आज भी कायम है। वैसे भी दुनिया में भारत की दानशीलता का डंका बज रहा है, इसलिए ज्यादातर देश या यूं कहे पूरा विश्व भारत पर नजरें गड़ाए हुए हैं। खाड़ी देशों में इस वायरस ने जो तांडव मचाया है, उसने इन मुल्कों को घुटनों पर ला दिया है। यहां पैसा तो है, मगर इनका विज्ञान मदरसे की दीवारों के भीतर से बाहर नहीं निकलता है। रमजान का महीना चल रहा है, जिसने यहां हालात और ज्यादा पेचीदा बना दिए हैं। बिगड़ते हालातों के मद्देनजर खाड़ी देशों ने अपनी मित्रता का हवाला देते हुए भारत से संयुक्त रूप से मदद की गुहार लगाई है। इन देशों ने भारत से खाद्य सामग्री, डॉक्टरों, नर्सों की टीम भेजने का निवेदन किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि खाड़ी देशों के भारत के संग रिश्तों की अहमियत है। भारत किसी भी हाल में इन्हें आशाए नहीं छोड़ सकता है। भारत की तरफ से इन देशों को रमजान के महीने में खाद्य सामग्री सुनिश्चित की जा रही है। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर खाड़ी देशों के हालातों पर नजर रखे हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि खाड़ी देशों द्वारा भारत से मदद मांगने से पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिला गया है। हालांकि बीते दिनों उसने भारत और खाड़ी देशों के बीच रिश्तों पर निशाना साधते हुए कुछ फेक ट्वीट किए थे, मगर उसकी चोरी पकड़ी गई। दरअसल पाकिस्तान की मंशा वर्तमान परिस्थितियों का फायदा उठाकर भारत और खाड़ी देशों के बीच दरार पैदा करने की थी, पर उसके मंसूबे पूरी तरह नाकाम हो गए। पाकिस्तान ने भारत की देखा था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन निर्यात करने का फैसला किया था, मगर दुनिया के किसी भी देश ने उसकी एक गोली तक नहीं ली है। बताया जाता है कि दुनिया में भारत दवाइयों की जितनी विश्वसनीयता है, उनके मुकाबले केवल जर्मन दवाइयां ही ठहरती है। वैसे भी इस वक्त इस टैबलेट का वजूद खत्म हो चुका है। अमेरिका ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की बजाय इबोला की दवा रेमडेसिविर को ज्यादा उपयोगी माना है, पर मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, कतर और बहरीन में कोरोना वायरस तीसरे चरण के मुहाने पर खड़ा है। अभी तक इन छह मुल्कों में 51,225 संक्रमित मरीज मिले हैं। यहां 341 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वायरस का सबसे ज्यादा कहर सऊदी अरब में बरप रहा है। यहां 24,097 मामले सामने आए हैं। 169 लोगों ने दम तोड़ा है। उसके बाद यूएई 13,038 के साथ दूसरे स्थान पर है। 111 लोग यहां भी मारे जा चुके हैं। इन मुल्कों की सबसे बड़ी समस्या खाद्य सामग्री और चिकित्सा कर्मी है। इस वक्त ये देश इन्हीं परेशानियों से जूझ रहे हैं। यहां पर पहले से ही भारतीय डॉक्टर और नर्सों की टीमें पहुंची हुई थी, मगर हालात पेचीदा हुए तो यह संख्या कम पड़ने लगी है। ऐसे हालातों में इन्हें भारत से ही उम्मीदें नजर आ रही है। यहां तेजी से बढ़ते संक्रमण के आंकड़े स्थिति को कहीं अधिक भयावह बना रहे हैं। पर खाड़ी देशों के सामने इससे भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। यहां खाद्य सामग्री की किल्लत बढ़ने लगी है। अप्रैल महीने से लॉकडाउन के चलते बाजार पूरी तरह बंद पड़े हैं। किराना स्टोर की जो दुकानें खुली थी, उनमें सामान कम पड़ता जा रहा है। अनाज दालों के लिए खाड़ी देश आयात पर निर्भर है, जो पूरी तरह शिथिल पड़ चुका है। अगर ऐसे में यहां वक्त पर खाद्य सामग्री की आपूर्ति नहीं की गई तो ये देश अकाल की चपेट में आ सकते हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान इन देशों को अनाज का निर्यात करता रहा है, पर वहां भी अनाज को लेकर कोहराम मचा हुआ है। हालत यह है कि उसे खुद अपनी जनता का पेट भरना मुश्किल हो रहा है, इसलिए यह मौका भी उसके हाथ से निकल गया है। भारत ने खाड़ी देशों को पूरी मदद का आश्वासन दिया है। यहां केवल डॉक्टर, नर्सों की टीमें ही नहीं भेजी जा रही है, बल्कि खाद्य सामग्री, दवाइयां, मेडिकल उपकरण और आईटी विशेषज्ञों का भी एक दल भेजा जा रहा है, जिसके बाद इन देशों में भारत का कद और सम्मान कई गुना बढ़ गया है। कोरोना वायरस से पहले खाड़ी देशों में 18 लाख के लगभग भारतीय रहते थे। 80% से ज्यादा भारतीय अभी भी इन देशों में मौजूद हैं। इसलिए भी भारत की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। खाड़ी देशों ने कश्मीर मसले पर अपने पूर्व दृष्टिकोण के विपरीत जाकर भारत का साथ दिया है। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन जैसे देशों ने खुलकर पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई है। ये इस्लामी मुल्क भारत के लिए काफी अहम है। आज मुसीबत के वक्त भारत जहां इनका विशेष ध्यान रख रहा है, वहीं पीएम मोदी इनके साथ रिश्तों को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। भारत के पास ऐसा करने की आवश्यकता भी है और सामर्थ्य भी मौजूद है।
वैसे भी सच्चे मित्र की पहचान संकट काल में ही होती है। खाड़ी देशों ने भी यही साबित किया था। आज भारत के द्वारा भी ऐसा ही करने की बारी है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।